शादी हर इंसान के लिए एक अहम मौका होती है और उसे वो सबसे अलग और यादगार बनाना भी चाहता है। इसके लिए लोग कुछ नया नया ट्राई करते रहते हैं। कभी दूल्हा दुल्हन बाइक पर निकल पड़ते हैं तो कभी हेलीकॉप्टर की सवारी करते हैं। लेकिन क्या आपने आज तक सुना है कि कोई बारात या दूल्हा दुल्हन बैलगाड़ी पर सवार होकर निकले हो? यकीनन आप कहेंगे नहीं, लेकिन राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के कलिंजरा गांव में एक ऐसी बारात निकली जिसने सालों पुरानी परंपरा को फिर से जीवित कर दिया है। जी हाँ, बैलगाड़ी पर निकली बारात की ये तस्वीरें राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से आई है। ये बारात खास है क्योंकि आम बारातों की तरह नहीं है। इसमें आपको ना तो घोड़ा गाड़ी मिलेगी और ना ही पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियां। इसमें सिर्फ मिलेंगी आपको बैलगाड़ी और ऊंट गाड़ी। और यह सब किया गया है प्रदूषण रोकने और भूली बिसरी परंपरा को जिंदा रखने के लिए। हरीश सोनी दूल्हे का पिताजी हूँ। 6 महीने पहले ये माना आया था कि जो हमारी पुरानी संस्कृति है वो लोग भूलते जा रहे हैं। अपनी अपनी गाड़ियों में बारात लेके जाते हैं, एक दूसरे को मिलते नहीं, जुड़ाव से अलग हो गए थे। तो कुछ ऐसा मानस बना के कुछ सबको जोड़ के चले। नई पीढ़ी पुरानी संस्कृति को जो भूल गई थी वो वापस याद करके चल रहे हैं। इस बारात को जिसने भी देखा वो देखता ही रह गया। इस बारात ने पूरे 8 किलोमीटर का सफर यूं ही तय किया। हालांकि इस सफर को तय करने में कई घंटों का वक्त जरूर लगा, लेकिन लोगों ने इसे खूब एंजॉय किया और दूसरे लोगों ने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा भी की। गांव के जिस मोहल्ले से ये बारात निकलती लोग आश्चर्य से इसे देखते ही रह जाते। आपको बता दें कि इस अनोखी बारात में 15 ऊंट गाड़ी थी जबकि 20 से ज्यादा बैल गाड़ियां शामिल थी, जिसमें बैठकर दूल्हे के साथ पूरी बारात दुल्हन के घर के लिए निकली थी। हालांकि इस बारात में महिलाओं ने डांस करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने जमकर ठुमके लगाए और इस अनोखी बारात का खूब लुत्फ उठाया। आज का जो बारात है वो हम बिल्कुल ट्रेडिशनली लेके जा रहे हैं। यहाँ पे 7 किलोमीटर हमें चल के जाना है। पर कोई बारात नॉर्मल लेके जाता है और ये थोड़ा यूनिक पैटर्न है। इसके अंदर 12 बैलगाड़ी, 8 ऊंट गाड़ी, लगभग 10 एक ऑटो और 600 से 650 लोग हमारे साथ काफिले में चलेंगे। और हम इसके साथ एक नई शुरुआत कर रहे हैं, एक नई पहल कर रहे हैं। जहाँ इस बारात ने हमारी पुरानी परंपराओं को जिंदा किया है, वहाँ दम घुट्टी इस दुनिया में प्रदूषण को बचाने और हवा को साफ रखने का एक संदेश भी दे रही है। अब देखना ये होगा कि क्या इस बारात का अनुसरण करके और कई लोग इसी तरह की बारात निकालते हैं। वायरल कीड़ा न्यूज़।